जहां पूरे विश्व में दोबारा से कोविड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, वहीं आज फरीदाबाद जिला उपायुक्त विक्रम यादव ने ईएसआई अस्पताल में पहुंचकर डॉक्टरों की मीटिंग लेकर ऑक्सीजन और आईसीयू वार्ड का जायजा लिया। विक्रम यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि फरीदाबाद में सभी अस्पतालों ने कोविड से लड़ने के लिए तैयारी कर ली है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 साल कोरोना काल के चलते हुए खराब हुए थे, अब कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो कोई चूक नहीं रहने देना चाहता। जिस तरह से दोबारा से कोरोना के आने के आसार नजर आते हैं, वहीं फरीदाबाद के जिला उपायुक्त विक्रम यादव अस्पतालों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम अस्पतालों का जायजा लेते हुए किसी चूक को वो नहीं रहने देना चाहते। इस विषय को लेकर विक्रम यादव ने आज डॉक्टरों की मीटिंग ली और ऑक्सीजन और आईसीयू वार्ड का जायजा लिया और तमाम जो हॉस्पिटल हैं उनको कवायद दी कोविड से लड़ने के लिए। जिस तरह से तमाम हॉस्पिटल कोविड से लड़ने के लिए लगातार तैयार नजर आ रहे हैं, इसके तहत सभी हॉस्पिटल्स का डेटा भी हम अपलोड कर रहे हैं और कैसी हमारी तैयारियां उसके भी जायजा ले रहे हैं। तो आपके माध्यम से मेरी लोगों से अपील है कि जिनकी अगर बूस्टर डोज अगर रह गई है तो बूस्टर डोज भी कृपया करके लगाएं और इसके साथ ही प्रोटोकॉल जितने भी हैं वो सारे फॉलो करें। इस पर जैसे कि आपको पता ही है कि जब ऑक्सीजन की लास्ट टाइम कमी थी तो सभी हॉस्पिटल को डायरेक्ट किया गया था कि वो अपने ऑक्सीजन प्लांट खुद ही लगाएं, तो वो सभी हॉस्पिटल ने लगभग लगा लिया। इसके साथ ही जो ऑक्सीजन की डिमांड थी उसमें कई लास्ट टाइम क्योंकि आईसीयू में ज़्यादा पेशेंट थे तो उसकी वजह से काफ़ी डिमांड थी, तो यहाँ पे जैसे ईएसआई हॉस्पिटल में या फिर सिविल हॉस्पिटल में हम देखें तो वहाँ पे इसकी वेंटिलेटर्स की या फिर आईसीयू की डिमांड देखते हुए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है या बेड्स भी हमारे हिसाब से सफिशेंट है, क्योंकि अभी प्रिपेयर कर रहे हैं मॉकड्रिल इसी के लिए करी गई है कि जो जो हमारी पिछली बारी जो जो तैयारियाँ थी उससे बढ़िया तैयारियाँ हम करें, तो एक आध चीज़ें हैं वो भी साथ साथ होती रहेंगी और आशा यही है जब अगर वेव आती है उससे पहले पहले ही बल्कि कुछ ही दिनों में हम सारी अपनी तैयारियां पूरी करेंगे। लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि कृपया करके अपनी बूस्टर डोज जरूर लगाएं और 12 से 15 और 15 से 17 के जो बच्चे हैं हमारे उनकी जो परसेंटेज ऑफ वैक्सीनेशन है तो वो कुछ कम है, तो सभी पेरेंट्स से मेरा यही आग्रह है कि अपने बच्चों को भी वैक्सीन जरूर लगवाएं और साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का जरूर पालन।